दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में कोरोना काल में हुई मौतों का वास्तविक आकलन करके उनके आश्रितों को आर्थिक संबल देने की मांग उठाई। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का कोरोना काल में हुई लाखों लोगों की मृत्यु से उनके आश्रितों को विकट स्थिति तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, कोरोना के कारण जो मौतें उनमें से अधिकतर आंकड़े ने तो रात तक 2-2 बजे तक और नए केंद्र के पास है कि किसी मृतक की कोरोना जांच होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई और किसी की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, परंतु उसकी मौतें कोरोना से हुई। ऐसे में जो स्थिति बनी है वो बहुत ही विकट है। सर्वप्रथम मैं मेरे राजस्थान की बात करूंगा। आपके माध्यम से राजस्थान के मामले की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने 3200 महिलाओं की मौत को कोरोना से मानी और उसके बावजूद उनके परिवार के लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। और सभापति महोदय, मात्र 8882 पुरुषों की मौत उनके परिजनों को मुआवजा दिया गया। ऐसे महिला मृतकों का आश्रितों को अनदेखा किया जा रहा है, इस पर केंद्र को ध्यान देने की आवश्यकता है, जबकि वास्तव में यह आंकड़ा 4 गुना है। देश की सरकार के आंकड़ों के अनुसार अभी तक 5,55,000 लोगों की मौत इसके अंदर हुई है। अगर वास्तविकता जो बहुत अधिक है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी कैसे प्रत्येक पीड़ित परिवार की मदद करें। मेरी मांग है कि कोरोना से हजारों परिवार उजड़ गए, लाखों लोग हमारे मध्य दुनिया को छोड़कर चले गए। ऐसे में परिवारों की एक सेकंड सर लास्ट समाप्त कर रहा हूँ। मृतकों की बात, सरकार एक नीति बनाए थे कोरोना कारण जिनकी मृत्यु मौत का कारण रिकॉर्ड में किसी न किसी वजह से कोरोना नहीं देखा गया, उन्हें भी आर्थिक संबल मिल सके। और केंद्र ऐसे मामलों में मृतक आश्रितों को 50,000 के बजाय कम से कम 5-10 लाख की राशि सहायता के रूप दे ताकि ऐसे परिवारों की मदद मिल सके। धन्यवाद।